दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आपको इस कोरोना महामारी में कोचिंग करने के लिए या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए रुपया नहीं है, कोचिंग को पेड करने के लिए आपके पास रुपया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोचिंग के लिए आपको 3000 से लेकर 6000 तक का भत्ता दिया जाएगा, मतलब 6000 तक आपको कोचिंग फी दिया जाएगा पढ़ने के लिए। अगर आप SC या OBC कैटेगरी से आते हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप SC जाति या OBC जाति से आते हैं तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आपको 3000 से लेकर 6000 तक का कोचिंग करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप साथ साथ विकलांग भी हैं तो आपको 2000 रुपये अलग से भत्ता के तौर पे भी दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं कि ऑनलाइन किस तरह आप कोचिंग के लिए सरकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3000 से लेकर 6000 तक ले सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। 30 सितंबर 2020 तक इनकी अंतिम डेट है, तो 30 तारीख से पहले इसके आवेदन कर सकते हैं। फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC एंड OBC स्टूडेंट। अगर आप SC या OBC स्टूडेंट हैं तब इसके लिए एलिजिबल हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई जाने वाली स्कीम है जिसके तहत आपको 3000 से लेकर 6000 रुपये तक प्रति माह दिया जाएगा कोचिंग करने के लिए। अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो उसको विकलांग को अलग से 2000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे दो सर्टिफिकेट की भी फॉर्मेट देगी, इनकम सर्टिफिकेट एक हैप्पी डिपिट। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप ब्लॉक वगैरह से बनाएं तो वो दे सकते हैं और यहाँ से एक हैप्पी डिपिट है, फॉर्मेट फॉर हैप्पी डिपिट। तो इस हैप्पी डिपिट को आपको हैप्पी डिपिट बनवा लेना अपने कोर्स से। तो ये फॉर्म को मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कह रहा है 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी इस हैप्पी डिबिट को आपको बनाना होगा जिसमें आपको अपना नाम पूरा एड्रेस देना होगा। उसके बाद 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी इस हैप्पी डिबिट को आपको अपने कोर्ट से बनवा लेना। यहाँ पे देखिए 10 रुपये का स्टाम्प पेपर में बताया जा रहा है, तो इसको आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर में बनवा लेना। यहाँ पे अपना फुल नेम देना होगा, अपना पूरा एड्रेस देना होगा, उसके बाद वहाँ पे नोटरी वगैरह जो साइन वगैरह करके आपको ये 10 रुपये का स्टाम्प में एक हैप्पी डिबिट बना के दे देंगे। जब आपका हैप्पी डिबिट बन जाता है और आई प्रमाण पत्र भी आपका कंप्लीट है ऑलरेडी, तो आपको फिर से यहाँ पे मेन्यू भी क्लिक करना होगा। मेन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं, SC या OBC, जिस कैटेगरी से आ रहे हैं वो देंगे और यहाँ पे अपना स्टूडेंट का फुल नेम देंगे, स्टूडेंट का फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी ईयर होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, जो पासवर्ड नया रखना चाहते हैं अपने मनपसंद का पासवर्ड देंगे और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है 10वीं जो आप मैट्रिक जो किए वो किस बोर्ड से किए, किस स्टेट से किए, उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। साथ साथ यहाँ मैट्रिक बोर्ड का जो आपको सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। साथ साथ यहाँ आपको पासिंग ईयर मैट्रिक आप किस साल की, ये सारा चीज़ फिलअप आपको करना होगा। पूरी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको उसी दिखा देगा, उसी तरह का फॉर्म आएगा और यहाँ पे यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि कह रहा आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके, योर ईमेल आईडी विल बी यूज एस योर यूजर आईडी, मतलब ईमेल आईडी को आपको यूजर आईडी के रूप में यूज करना है और लॉगिन करने के लिए आपको जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया था वही पासवर्ड को यूज करना है। उसके लिए फिर से इस मेनू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे जो आपने पासवर्ड बनाया था और साथ साथ इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। कैप्चर देने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दो स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर्म फिलअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर जाता है। साथ साथ नीचे आपको पूरी डिटेल शो कर देती है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिर से फिलअप करना होगा, साथ साथ नीचे आपकी डिटेल शो कर जाएगी। नीचे आपकी पूरी डिटेल शो करेंगे वो चेक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ अपना आधार नंबर देना होगा। उसके बाद क्या रहे कि आप माइनॉरिटी कैटेगरी आते हैं यस या नो सेलेक्ट करेंगे, अगर आते तो यस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहे कि आप विकलांग वगैरह, अगर विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। अगर आप विकलांग में सेलेक्ट करते हैं विकलांग यस, तो आप यहाँ पर आपको परसेंट देना होगा कितनी परसेंट आपकी विकलांग सर्टिफिकेट में वो आपको देना होगा। उसी के साथ साथ यहाँ मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, आपका शादी हो गई या नहीं हुआ, मैरिड या अनमैरिड जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसी के साथ यहाँ आपका जो निवासी है वो किस स्टेट का है, वो निवासी स्टेट सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना हो, किस डिस्ट्रिक्ट के इस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अभी कहाँ रह रहे हैं वो करेंट एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करना होगा, एड्रेस स्टेट। उसके बाद यहाँ आपको करेंट एड्रेस देना होगा, पूरा आपका करेंट एड्रेस वो देना होगा। उसके नीचे पूछ रहा है यहाँ परमानेंट एड्रेस, और उससे पहले यहाँ पूछ रहा है कि आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, तो ये ऊपर में जो एड्रेस दिए वो पूरा यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम है तो यस करेंगे, अगर अलग अलग है तो नो करेंगे और करेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस देंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपसे पूछेगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब किस चीज़ की कोचिंग लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स दिए गए, जिस भी कोर्स के लिए आप सिलेक्ट करेंगे, बैंकिंग हो, रेलवे हो, SSC हो, जिस भी तरह का कोचिंग के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी तरह का कोर्स आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा कोचिंग के बारे में डिटेल, किस कोचिंग से आप कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल मांगेगी। यहाँ पे नेम ऑफ कोचिंग, किस कोचिंग से कर, कोचिंग का नाम देंगे, कोचिंग का एड्रेस देंगे, और यहाँ पे कोचिंग का जो पिन कोड होगा वो आपको देना होगा। साथ साथ यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, इस कोचिंग जो आपका किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में। साथ साथ यहाँ पे कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर, कोचिंग की अगर कोई वेबसाइट है तो वो दे सकते हैं, कोचिंग के पास कोई GST नंबर है तो दे सकते हैं। कोचिंग की डिटेल आपको फिलअप करनी जरूरी नहीं है, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि आप इस कोचिंग को ही क्यों सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ बहुत सारे रीजन, या आपके नज़दीक में या गुड रिजल्ट रहा, या कोचिंग आपसे कॉन्टेक्ट किया था, या इस कोचिंग के बारे में आपके फ्रेंड ने आपको सजेशन दिया था, किस लिए आप इस कोचिंग में ज्वाइन हुए, आपके नज़दीक में या अच्छा रिजल्ट देता है, या आपके फ्रेंड ने कहा था इस कोचिंग के बारे में, तो किस लिए आप इस कोचिंग से कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। साथ साथ यहाँ भी कोचिंग मोड आपको सेलेक्ट करना होगा, कोचिंग आप ऑनलाइन ले रहे हैं या फिजिकल कोचिंग में जाके, या दोनों तरह से ले रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हॉर्स ऑफ कोचिंग पर वीक, यानी कि हर हफ्ता में कितने घंटे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, तो ठीक है अगर एक दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 7 या 21 घंटे आपको एक हफ्ते में होंगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ कोचिंग प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम का डेट आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद बता यहाँ पूछ रहा है कोचिंग कब से स्टार्ट किए हैं आप, और उस कोचिंग का जो आपका मतलब ट्रेनिंग का कंपटीशन का जो तैयारी करें उसकी अंतिम डेट कब तक आप तैयारी करेंगे, कब से कब तक आप इस कोचिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट कोचिंग फ़ी, टोटल आपको एग्ज़ाम फ़ी, सारा फ़ी, टोटल फ़ी जोड़ के आपको पर मंथ कितना रुपये कोचिंग को पे करना होता है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देंगे। साथ साथ नीचे आएंगे यहाँ पे पूछ रहा अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, BA, BCA, BCOM, किसी भी तरह का कोर्स कर रहे हैं तो वो कोर्स का नाम देंगे। अगर वो कम्प्लीट हो गया पास यहाँ सेलेक्ट रहेगा, अगर वो कम्प्लीट होने वाला अभी नहीं हुआ तो फिर इनको सेलेक्ट करेंगे। साथ साथ नीचे आएंगे यहाँ पे आप अगर BA वगैरह कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का पूरा डिटेल देना होगा, कॉलेज स्टेट वगैरह पूरा पता देना होगा, और किस कौन सा सब्जेक्ट है, पासिंग ईयर क्या है, और आपको परसेंट में मार्क आया या CGPA में आता है, आया कितना परसेंट है। साथ साथ यहाँ पे इंटर की डिटेल देनी होगी, ट्वेल्थ की किस कॉलेज से ट्वेल्थ की, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और किस कॉलेज की, उसका एड्रेस क्या वो देंगे, और कौन सा सब्जेक्ट वो देंगे, और पासिंग ईयर क्या आपका इंटर का वो देंगे, और इंटर में आपको जो परसेंट आया परसेंट सेलेक्ट करेंगे। परसेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको परसेंट सेलेक्ट करना हो कितना मार्क, कितना परसेंट आपको इंटर में आया। साथ ही इसमें मैट्रिक की डिटेल देंगे, मैट्रिक किस स्कूल से किए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मैट्रिक स्कूल का एड्रेस देंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट देंगे आप। उसके बाद मैट्रिक की पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, साथ साथ मैट्रिक में आपको परसेंट कितना परसेंट आया परसेंट सेलेक्ट करेंगे, परसेंट सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक में कितना परसेंट आपको मार्क्स आया था। उसके साथ साथ यहाँ पूछ रहा है इससे पहले क्या आप इस स्कीम के लिए कभी लाभ लिए, इस स्कीम का यस या नो करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ आपके फैमिली में आपके भाई बहन इस स्कीम के लिए कभी लाभ उठाए हैं, कितने भाई बहन उठाए वो देंगे, नहीं तो 0 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ बैंक डिटेल देंगे, बैंक अकाउंट में आपका नाम और बैंक का नाम, कौन सा बैंक का दे रहे हैं, और बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड देंगे। साथ साथ यहाँ आपकी फैमिली की इनकम डिटेल देंगे, फादर्स के नेम, फादर के एज, और फादर क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरी या नॉट एम्प्लॉयड। उसके बाद इस फादर की होने वाली सालाना इनकम यहाँ पे देना होगा, अगर आप फादर IDL फाइल करते हैं तो फाइल्ड को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट फाइल्ड को। मदर का नाम, मदर का एज, मदर क्या करती है, मदर की क्या इनकम है, ये सारा चीज़ आपको देना, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे सेल्फ में खुद क्या करते हैं, खुद का नाम, खुद की एज, और क्या करते हैं आप, कितने सैलरी मंथ ईयर कमाते हैं, और इनकम टैक्स देते हैं या नहीं देते, वो आपको यहाँ पे देना। अदर जानकारी भी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप देना है, आपके सिस्टर ब्रदर क्या करते हैं, क्या इनकी
मैनुअल इनकम सैलरी वो देना होगा। ये सब फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको आप सेवा से ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, बाद में भी आप इसे सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल सबमिट करने के लिए सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पूरी तरह फिलअप करने के बाद आपको सबसे पहले सेवा से ड्राफ्ट करना है। जब तक आप सेवा से ड्राफ्ट नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको सेवा से ड्राफ्ट करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, अगर ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसका लास्ट ईयर का, लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आपको देना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, आय प्रमाण पत्र, और यहाँ पे को आपको पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी होगी, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस प्रूफ, दोनों अगर अलग अलग है तो अलग अलग प्रूफ देंगे, नहीं तो एक ही प्रूफ दोनों जगह पे अपलोड करेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी है, विकलांग वगैरह है तो ये सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और वो एफिडेविट जो आपने 10 रुपये स्टाम्प पे बनाया था वो आपको अपलोड करना होगा। चलिए फटाफट ये सारा चीज़ आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करके सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आपका अपलोड हो जाता है, यहाँ पर देखिए टिक मार्क का लग चुका है, ये अपलोड हो चुका है। इसी तरह मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, मैट्रिक का मार्कशीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, 100% इसको अपलोड होने देंगे। जब ये आपका 100% अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है प्लीज अपलोड पीडीएफ फाइल, यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करना होगा। इसी तरह आप सभी को अपलोड कर लेंगे और यहाँ से फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ देख लेते, फोटोग्राफ सिग्नेचर जो है वो पीडीएफ में ले रहा है या जेपीजी में ले रहा है। तो यहाँ से फोटो को अपलोड कर चुके, उसके बाद यहाँ अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते फोटो जो वो ले चुका है। फोटो सिग्नेचर आपको जेपीजी में देना होगा, उसके अलावा जो भी है वो आपको पीडीएफ में देना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर चुका हूँ और कास्ट सर्टिफिकेट भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। इसी तरह आपको सभी सर्टिफिकेट को एक एक करके अपलोड कर लेना हो। चलिए मैं एक एक करके इसको अपलोड कर लेता हूँ। पूरी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना स्थान देना होगा। अपना स्थान देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म करना, तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज अपलोड ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बिफोर सबमिटिंग फॉर्म, यानी कि सबमिट करने से पहले को सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ फाइल ठीक है, तो एक नाम का दो फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, अलग अलग नाम का फाइल अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने। यहाँ पे देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है कोई कोई डॉक्यूमेंट, या आपको लग रहा है कि आपका फॉर्म जो फॉर्म फिलअप पीछे फिलअप किए उसमें कुछ मिस्टेक हो चुका है, उसको चेंज करने के लिए मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वो डिटेल को चेंज करके फिर से सबमिट करेंगे। और यहाँ पे अगर ये अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है तो फिर से इस पे आएंगे, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, जो अपलोड हो चुका है वो आपको मिल जाएगा, जो अपलोड नहीं हुआ फिर से अपलोड यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे मेनू पे, उसके बाद जो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे फिर से वही आ जाएगा, फिर से आपको अपलोड करेंगे ले लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना स्थान देंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यू हैव फिल्ड द फॉर्म एंड अपलोडेड द डॉक्यूमेंट, हमारा जो अप्लाई हो चुका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाना होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही आ रहा है कि हमारा मतलब हमारा आवेदन हो चुका, हमारा अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या कौन सा कोर्स में कितना रुपये आपको मिलने वाला है। उसके लिए आप इसी वेबसाइट पर आएंगे, इसी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिए गए हैं, गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा 14 पेज का, जिसे पेज नंबर 12 में आपको दिया गया किस किस कोर्स के लिए आपको कितना रुपए मिल सकता है और उसका ड्यूरेशन क्या है। मतलब कि अगर आप सिविल सर्विस UPSC वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको टोटल 1,20,000 तक मिल सकता है और 6 महीने कम से कम 9 महीने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, 9 महीने जिसमें 4 महीने प्रीलिम और 5 महीने मेंस एग्जाम के लिए दिया जाएगा। अगर आप SSC RRB के लिए कर रहे हैं तो 40,000 मिलेगा मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, और बैंकिंग के लिए 50,000 6 मंथ के लिए। ये आपको कौन सा कोर्स करने पे आपको कितना रुपए मिलेगा, कितने मंथ तक मिलेगा, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ गए आप, दोस्तों उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो में आपने सीख लिया हो किस तरह आवेदन करते हैं, और इसको अगर एप्लीकेशन फॉर्म को अगर एडिट करना चाहे तो इस पर एडिट में एक बार दिखा भी देता हूँ आपको कि एडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई भी चीज जो इस फॉर्म में। अगर आप कोचिंग डिटेल वगैरह
जो नहीं लेगा तो उसके जगह पे एन ए या 00 आप दे सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 दे सकते हैं इंस्टीट्यूट कोचिंग GST नंबर वगैरह में। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा कंप्लीट पूरी तरह हो चुका है, अब हम इसे कर देते हैं लॉग आउट। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।